जय भीम, हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो खुद ही धार देते हैं। अरे जनाब, हम जय भीम वाले हैं, हंसते हंसते दुश्मनों की आगे से गीली पीछे से पीली करवा देते हैं। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन मैन आर्मी, एक ऐसा शख्स जो के बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, बहुजन समाज को प्रतिदिन बेवकूफ बनाता रहता है। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं और उस व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो बहुजन समाज को काफ़ी लंबे समय से बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है और बहुजन समाज बेवकूफ बनता हुआ आ रहा है। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तड़वड़ की। जी हाँ साथियों, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तड़वड़, ये बहुजन समाज को तड़वड़ समझता है, बहुजन समाज को बेवकूफ बहुत बनाता है। जी हाँ साथियों, अब आप लोगों को हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, आप लोग समझिए, सोचिए और जानिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने संगठनों में से एक नाम भीम सेना संगठन नवाब सतपाल तंवर जी का है। हरियाणा गुड़गांव के खंडसा गांव के रहने वाले नवाब सतपाल तंवर जी की सच्चाई आई सामने। सोनू शूद्र ने खोल दी इनकी पोल, सोनू शूद्र ने कर दी इनकी जमकर लड़ाई। वीडियो आ गया सामने तो देखो भाई यार, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। तो देखो इनको जो वीडियो साथियों, इस व्यक्ति ने अभी फंडिंग स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले। इसने सोशल मीडिया पे बताया था कि आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए हैं, हमारे घर में परेशानियां चल रही हैं और हमको कहने का मतलब पैसों की आवश्यकता है, मदद कीजिए। तो लोगों ने इसकी मदद की होगी, चलो मानते हैं। इसने कहा हमारे ऊपर हमला हुआ, 15 से 25 लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी। अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताएं ना, 15 से 25 लोग अगर इस छोटे से मच्छर के ऊपर हमला करते, दुगले पतले शरीर के ऊपर जो चूसे हुए आम की तरह है सतपाल तड़वड़, अगर इसके ऊपर 25 से 20 लोग हमला करते तो इसके पता है बदन पर कपड़े भी नहीं रहते, इसकी वो हालत हो जाती। और ये तो 25 से 20 लोग अगर इसको एक एक घूंसा भी मारते तो इसकी वो हालत हो जाती, ना तो ये हॉस्पिटल लायक रहता और ना ये घर का लायक रहता। तो इसकी मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ नवाब सतपाल तड़वड़ की। जी हाँ साथियों, ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से हम आपको बता दें, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आप लोगों से कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए। अगर पेज पर देख रहे हो फेसबुक पेज पर तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें इसकी सच्चाई, वन मैन आर्मी अपने आप को बताता है, पता नहीं क्या क्या बताता है, बहुजन समाज को कैसे कैसे चूतिया समझता है, बहुजन समाज को किस तरीके से बेवकूफ बनाता है, बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ऐसे शख्स का नाम है नवाब सतपाल तड़वड़। और इसकी पत्नी सबसे ज़्यादा बेवकूफ बनाने वाली और इसके साथ देने वाली बेवकूफ बनाने में, इसकी पत्नी का नाम है निशा तड़वड़। जी हाँ साथियों, और इसका साथ कोई नहीं देता, एक आदि लोग हैं खटमल से, वो साथ दे देते हैं। जी हाँ साथियों, इसके नवाब सतपाल तड़वड़ की गांव में भी कोई इज्जत नहीं है। नवाब सतपाल तड़वड़ का एक घर है, उस घर में भी कोई इज्जत नहीं है, घर से बाहर रहता है, लगभग 8-9 किलोमीटर दूर किराए के कमरे पर रहता है नवाब सतपाल तड़वड़। और ये जो गाड़ी में घूमता है, ये गाड़ी भी किस्तों पर ली गई है। जी हाँ साथियों, आप लोग जो सुन रहे हैं वो सब कुछ सही सही सुन रहे हैं, बस आप लोग सुनते रहिए और मैं ऐसे ही हंसते हंसते दुश्मनों की आगे से गीली पीछे से पीली करवा दूंगा साथियों। और आपको इसकी सच्चाई बताएं, ये जो गाड़ी का शीशा इसका टूटा था, जब हम और सीमा जी जब जयपुर के अंदर आंदोलन करने गए थे, जब वहाँ पर अशोक गहलोत के आवास के सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के सामने जब धरना प्रदर्शन के लिए गए थे, तब इसकी गाड़ी गई थी, तब इसने पत्थर से अपने शीशे को तोड़कर समाज को ये दिखाया था कि नवाब सतपाल तड़वड़ की गाड़ी पर हमला हुआ, नवाब सतपाल तड़वड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, समाज के सामने इतना बड़ा बेवकूफ बनाया था और समाज इस बात को सच मानने लगी थी। हम पर भी प्रेशर देकर, सीमा को भी प्रेशर देकर, और इसने बुलवाया था कि नवाब सतपाल तड़वड़ के ऊपर हमला हो गया है, उनको किसी ने अरेस्ट कर लिया है, ऐसे ऐसे चूतियापंती वाली बातें बतवाई थी हमने भी
हाँ में हाँ मिलाकर कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि हम उसके साथ काम कर रहे थे, इसलिए। उसने कहा समाज को बेवकूफ़ बनाने का यही एक जरिया होता है, तो हम भी समाज को बेवकूफ़ बनाने में उसका थोड़ा सा हिस्सा रहे थे। लेकिन मैंने समझा समाज को कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ बना रहा है, समाज को कुछ गलत दिशा में ले जा रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, युवाओं को भड़का के अपने पक्ष में लेता है, युवाओं को चूतिया बनाता है, युवाओं से पैसे अर्निंग करता है, युवाओं से पैसे कैसे निकालता है जेब से, इस तरीके से चूतिया बनाता है। अलग अलग जिला, अलग अलग राज्य के नाम से जो पेज हैं सत्यपाल तड़वड़ के, वो सारे फेसबुक पेज नवाब सत्यपाल तड़वड़ यूज करता है। नवाब सत्यपाल तड़वड़ ही उन पेजों पर पोस्ट करता है पैसों के चंदे की मांग के लिए। अपनी पर्सनल आईडी पर, पर्सनल पेज पर वो कोई पोस्ट नहीं करता है, क्योंकि भीख मांगने का जरिया वो जो और 45 पेज हैं उनसे भीख मांगता है, परंतु अपने पर्सनल पेज से भीख नहीं मांगता। जी हाँ साथियों, आप लोगों को जो भी सच्चाई हम बता रहे हैं, वो सच्चाई सुन के आप लोग भी चौंक जाएंगे। नवाब सत्यपाल तड़वड़ का शीशा पहले से ही टूटा हुआ था। इसने अपने इसके गाड़ी में हॉकी रखी रहती है, हॉकी से इसने अपनी गाड़ी के सारे शीशे तोड़े। गाड़ी से शीशे तोड़ने के बाद खुद ही फोटो खींचने के बाद फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। फिर खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर हॉस्पिटल में एडमिट होके खुद ही मोबाइल चलाकर फोटो एडिटिंग करके पोस्ट कर रहा था और समाज को बेवकूफ़ बना रहा था कि हमारे ऊपर हमला हो गया और हमें पैसे की आवश्यकता है। फिर खुद ही पोस्ट बनाकर, चंदा मांगने वाली पोस्ट बनाकर अपना बारकोड स्कैन लेकर उस पर डालता है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जितने भी उसके पास पेज हैं सब पे फॉरवर्ड कर देता है, अपने पर्सनल आईडी और पर्सनल पेज पर फॉरवर्ड नहीं करता। ये है उसका चंदा मांगने का जरिया, ये है उस भिखारी का चंदा मांगने का तरीका। आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है, इसके ऊपर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। ये सिर्फ बहुजन समाज को चूतिया बनाने का काम करता है और इसकी मैडम दुगना चूतिया बनाती है लोगों को। मीठी मीठी बातों पर, प्यारी प्यारी बातों में फंसा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनका एक जरिया है। बहुजन समाज के अंदर ये एक ऐसी गंध है जो बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस बंदे की, नवाब सत्यपाल तड़वड़ की, गांव, इसके खुद के गांव में, जो इसका खुद का गांव है हीरो होंडा के पास, खांडसा गांव में इसकी कोई भी इज्जत नहीं है। इसके खुद ही अड़ोसी पड़ोसी इसको नहीं पूछते हैं, तभी ये अपने गांव को छोड़कर 8-9 किलोमीटर दूर किराए के कमरे पर रहता है, क्योंकि इसकी फट जाती है, क्योंकि और इसका ऑफिस भी दूर है, ऑफिस भी किराए के कमरे पर चंदे के पैसों से चलता है, लोगों को ठग ठगा के। लोग क्लांट आ जाते हैं इसके ऑफिस में, जब क्लांट आते हैं क्लांट को फंसा लेती है इसकी मैडम मीठी मीठी बातों में देकर, तो किसी से 20,000 ठग लिए, किसी से 15,000 ठग लिए, किसी से 10,000 ठग लिए, इस तरीके से इनका घर का खर्चा चलता है। जी हाँ साथियों, ये सिर्फ बहुजन समाज के एक लुटेरे हैं जिसका नाम है नवाब सत्यपाल तड़वड़। हम आपको बता दें, ये बहुजन समाज के अंदर तड़वड़ करता रहता है, लेकिन इसकी कोई भी बात नहीं मानता। ओरिजिनल सच्चाई तो ये है नवाब सत्यपाल तड़वड़ की, इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और सीमा जी को भी बहुत बड़ा धोखा दिया। आप लोग अगर हमसे और सीमा जी से इस नवाब सत्यपाल तड़वड़ की सच्चाई, जिस दिन पूरी हकीकत सुनोगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, ये लड़कियों को यूज करता है, लड़कियों को अपने ऑफिस में काम पर रखता है, उन्हें यूज करके फिर उन्हें निकाल कर फेंकता है, फिर नई लड़कियों को देखता है। इसका ये काम है। अगर इसका ये काम ना होता तो जिन लड़कियों को अभी तक इसने ऑफिस में काम पर रखा था, उन लड़कियों को निकाल कर उन्हें धमकी ना दी होती कि अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारी ये पोस्ट वायरल कर दूंगा। इस तरीके से वो लड़कियां घबरा चुकी हैं और इस तरीके से वो लड़कियां डरी हुई हैं, इसलिए वो किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं, क्योंकि उन लड़कियों को पता है ये बहुत ही फ्रॉड और बहुत ही खटमल आदमी है, ये बहुत ही चूसा हुआ आम है। ये लोगों को किस तरीके से चूसता है, किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का पैसा निकालता है, ये सबको पता है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है, ये आप लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। इसका कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ, ना इसका सत्यपाल तड़वड़ का कोई हमला हुआ, ना 20-25 लोगों ने इसके ऊपर हमला किया। इसका सिर्फ काम है चंदा इकट्ठा करना। चंदा इकट्ठा किया इसने, बस। चंदा इकट्ठा किस तरीके से किया जाता है, ये बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाकर इसने कर लिया। आप लोग सच्चाई जानते नहीं हैं। एक दो लोग मच्छर हैं जो इसका पक्ष लेकर हमें उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, लेकिन
वो लोग सच्चाई नहीं जानते। अगर जिस दिन वो लोग सच्चाई इसके साथ रहकर जान जाएंगे, वो कभी कमेंट हमारे पास नहीं करेंगे, हमें अपना भाई मानकर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि इस खटमल की जो सच्चाई जान जाता है, इस तड़बड़ की नवाब सत्यपाल तड़बड़ की जो सच्चाई जान जाता है, वो कभी भी इसकी बातों में नहीं आता और लोगों को हमेशा समझाता है। इसके साथ जिन जिन लोगों ने काम किया, इसको क्यों छोड़ दिया, इसके साथ प्रशांत भाई ने भी काम किया था, प्रशांत बोध भाई ने भी कुछ दिनों तक, इसके नवाब सत्यपाल तड़बड़ के साथ जो अभी भीम आर्मी 2 जो बनी पड़ी है और जिनका नाम है लोकेश कटारिया, उन्होंने भी 1-1.5 साल तक काम किया था। काफ़ी सारे लोगों ने, मेरठ के लोगों ने इसके साथ काम किया था, काफ़ी सारे लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने इसके साथ काम किया, आगरा के लोगों ने काम किया, इसका साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सबको पता है इसकी सच्चाई, ये बहुत फ्रॉड आदमी है। ये खटमल अगर बहुजन समाज के अंदर रहेगा तो धीमे धीमे दीमक की तरह बहुजन समाज को खा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से सफाई दे देता है बहुजन समाज के युवाओं को, बहुत अच्छे से अपने आप को शुद्ध साबित कर देता है, बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पे शरीफ बन के दिखा देता है। लेकिन इसकी सच्चाई तो ये है, इसका बैकग्राउंड तो ये है, ये बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है नवाब सत्यपाल तड़बड़। ये बहुजन समाज को दीमक की तरह खाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। इसकी मैडम मीठा बन के आप लोगों को चूस लेती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इस तरीके से इस खटमल की सच्चाई है, आप लोगों को बताते बताते इसकी सच्चाई हम थक जाएंगे, लेकिन आगे से जो भी हम बातें बताया करेंगे इसके बारे में, उस पर गौर दीजिए। अब हर सच्चाई आपके सामने होगी, बस इंतजार कीजिए इसके कमेंटबाजी का और इसके साथ रहने वाले लोगों की कमेंटबाजी का। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरा आगरा वाला फ़ोन मिलना बाकी है, आगरे वाला फ़ोन अब कोर्ट ने रिलीफ कर दिया है। आगरा से जैसे ही फ़ोन मेरा मिलेगा, वैसे ही इसकी सच्चाई सबके सामने पर्दाफाश कर दी जाएगी। एक एक सबूत, एक एक पॉइंट उस मोबाइल के अंदर हैं, कब इसने किस तरीके से धोखे से मुझे जेल पहुंचाया, किस तरीके से धोखे से ट्वीट किए इसने, किस तरीके से क्या क्या किया, किस तरीके से, इसके सारे स्क्रीनशॉट मेरे पे पड़े हैं। बस इंतजार है तो उस मोबाइल का सब पर्दे की तरह साफ कर दिया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बहुजन समाज के अंदर ऐसे खटमल और ऐसे बेईमान, ऐसे दगाबाज, बहुजन समाज को चूतिया बनाने वाले लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। तो अब कहकर दिखाए वो कि वनमैन आर्मी है, क्योंकि हम हैं उसके सामने। जो ACP सोन सिंह हुआ करता था, आज सोन सिंह शूद्र बन गया है, पूरा लोटा डुबा दिया जाएगा। बेटा याद रखना, जितना तुमने तड़पाया है और जितना तुमने मजा लिया है और जितना तुमने बहुजन समाज को बेवकूफ बनाया है, ये बहुजन समाज एक एक पाई पाई का हिसाब तुमसे ले लेगी। अभी तक तुमने जो बाइक एम्बुलेंस निकाली थी, वो बाइक एम्बुलेंस तुम अपने काम में उपयोग कर रहे हो, एम्बुलेंस को हटाकर बाइक उपयोग कर रहे हो, ये बहुजन समाज को अच्छे से पता है। तुमने बहुजन समाज से अच्छे पैसे अर्निंग किए थे, 4-5 लाख रुपए अर्निंग कर तुमने बाइक एम्बुलेंस निकाली थी, लेकिन तुमने बाइक एम्बुलेंस का क्या किया? कितने मरीज उसमें बैठकर गए, कितने मरीजों की अभी तक तुमने सेवा की? एक भी नहीं। लेकिन बहुजन समाज को तुम बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छी तरीके से सफल होते हो। अभी तक तुमने कितनों को न्याय दिलाया सत्यपाल तड़बड़, अभी तक तुमने कितनों को न्याय दिलाकर तुमने जेल में डलवाया नवाब सत्यपाल तड़बड़, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ बहुजन समाज की जनता को, युवाओं को बेवकूफ बनाने में तुम बहुत बढ़िया सिस्टम साबित हुए हो। वनमैन आर्मी सत्यपाल तड़बड़, बेटा याद रखना, आगे से गीली पीछे से पीली करवा दी जाएगी तुम्हारी। सोनू सिंह सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, लिख रहा हूँ अंजाम एक दिन आगा जाएगा, और मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा, और तुम जैसे बेईमानों का पर्दाफाश ये सोनू सिंह शूद्र कर जाएगा। जय भीम।